वेल हेलो एवरी वन, माई नेम इज़ आकाश सिंह एंड यू आर वॉचिंग संगीतस्तान स्टूडियोज़ यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही खास है और वो टॉपिक है ईजी वेज टू सिंग ऑन कैरियोके ट्रैक्स। इस टॉपिक में हम पांच ऐसे तरीके जानेंगे जिससे कि आपको आपके परफॉर्मेंस में एक लेवल अप देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने पहले तरीके की, तो वो है सॉन्ग सिलेक्शन। आपको ध्यान रखना है कि आपने जो सॉन्ग सिलेक्ट किया है वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। सॉन्ग शुड बी ईजी, मतलब वो सॉन्ग आपको मुँह ज़ुबानी याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो सॉन्ग किस तरह गाना है एंड उसमें कहाँ कहाँ हाईज हैं, कहाँ कहाँ लोज हैं और उसको किस तरह निभाना है। सो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सॉन्ग है वो ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। सॉन्ग जितना आपके लिए ईजी रहेगा उतना ही आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो सॉन्ग सिलेक्शन शुड बी मस्ट एंड येस, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो ऑडियंस ये मांग करती है कि आप वो सॉन्ग या कोई और सॉन्ग परफॉर्म करें। तो आपको पांच ऐसे सॉन्ग अपने माइंड में रखने हैं जो कि आप इंस्टेंटली परफॉर्म कर सकें एंड वो सॉन्ग आपको इस तरह रेडी करने हैं कि आप उन सॉन्ग में कहीं पर भी ना अटकें। सॉन्ग सिलेक्शन की बात करें तो किशोर दा के सॉन्ग ले लेते हैं। तो पहला सॉन्ग है पल पल दिल के पास, सेकेंड सॉन्ग ये शाम मस्तानी, थर्ड सॉन्ग हमें तुमसे प्यार कितना, फोर्थ सॉन्ग एक अजनबी हसीना से एंड फिफ्थ सॉन्ग तेरे बिना जिंदगी से। तो ये कुछ पांच ट्रैक मैंने अपने लिए सिलेक्ट कर रखे हैं। कहीं पर भी जैसे ऑडियंस चाहती है कि हम उनके लिए और परफॉर्म करें तो इन पांचों ट्रैक्स में से मैं कोई भी परफॉर्म कर सकता हूँ। क्योंकि इंस्टेंटली क्या होता है, अगर ऑडियंस आपका परफॉर्मेंस पसंद करती है, वो दोबारा से वो डिमांड करती है आपको परफॉर्म करने के लिए एक और सॉन्ग, तो जो परफॉर्मर है उनका माइंड जो है वो एकदम से ब्लैंक सा हो जाता है कि अब कौन सा परफॉर्म करेगा ना हम जो कि ऑडियंस को और अच्छा लगे। तो इसीलिए आप ऐसे पांच सॉन्ग्स सेलेक्ट करके रखिए अपने माइंड में जो कि आपको हेल्प करें आपके परफॉर्मेंस को करने में। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, वो है कैरियोके शुड बी इन स्केल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर कैरियोके ट्रैक स्केल में ही नहीं है तो हम क्या ही परफॉर्म करेंगे, सुनने वालों को भी मज़ा नहीं आएगा ना ही परफॉर्मेंस देने वाले को। क्योंकि हमारे स्केल से अगर कैरियोके ट्रैक का स्केल ऊपर या नीचे हुआ तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपको सॉन्ग सिलेक्शन भी ज़रूरी है तो आपको कैरियोके ट्रैक्स को स्केल में लाना भी ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है लिरिक्स शुड बी रिमेम्बर। यस, आपको लिरिक्स याद होने चाहिए, नॉट द फुल लिरिक्स बट आपको उस गाने को किस तरह गाना है और उस गाने में क्या क्या लाइन्स हैं तो वो हमको पता ही होती है। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो हमें कैरियोके में हेल्प करती है वो है ऑडियो के साथ साथ वीडियो का होना। कैरियोके ट्रैक में ऑडियो तो है ही एंड साथ में अगर उसमें वीडियो है जिसमें लिरिक्स आपके स्क्रॉल हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है उस कैरियोके ट्रैक पर परफॉर्म करने में। क्योंकि आधे से ज़्यादा लिरिक्स तो हमको याद ही होते हैं एंड बाकी जो लिरिक्स हमको एक दो वर्ड या फिर एक दो लाइन हम मिस कर जाते हैं वो हम अपने स्क्रीन पर देख कर अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज सिंग विथ फुल पोटेंशियल। अपना जो परफॉर्मेंस है उसको पूरा 100% दीजिए, मत देखिए इधर उधर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्या बात कर रहा है। डोंट लुक हेयर एंड देयर, जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो ऑडियंस का पूरा फोकस आपके ऊपर है, अगर आप ही भटक जाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस तो खराब होगा ही, साथ में जो कनेक्ट है ऑडियंस और परफॉर्मर का तो वो भी टूट जाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन योर परफॉर्मेंस एंड सिंग विथ फुल पोटेंशियल। द फिफ्थ पॉइंट इज डोंट स्टैंड लाइक अ स्टैचू इन बिटवीन द म्यूजिक ऑफ द ट्रैक। जब गाने के बीच में म्यूजिक आता है, पहले मुखड़ा आता है देन अंतरा देन सेकेंड अंतरा, जो मुखड़ा है एंड अंतरा है उसके बीच में जो म्यूजिक है उसमें काफ़ी लोग क्या करते हैं कि स्टैचू की तरह खड़े रहते हैं, क्योंकि जब तक वो गा रहे हैं तब तक उनके मूवमेंट्स चालू रहते हैं, लेकिन जैसे ही बीच में म्यूजिक आया, गैप आया, वो स्टैचू की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालता है आपकी परफॉर्मेंस में। सो कीप इन माइंड, जब भी म्यूजिक आए बीच में तो आपको स्टैचू की तरह खड़े नहीं रहना है, आपका जो मूवमेंट है लाइक दिस वो कंटिन्यू रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो बॉन्ड जो है ऑडियंस का और एक परफॉर्मर का वो टूटता नहीं है एंड आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। सो आई होप आपको ये पांचों तरीके अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, तो आप इनको इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी परफॉर्मेंस में एंड आई एम श्योर कि आपको आपकी परफॉर्मेंस में बूस्टअप देखने को मिलेगा। एंड यस, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए सो दैट आपको अगली आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन गुड बाय, टेक केयर।